हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। बैंक निफ्टी एनालिसिस में आपका फिर से वेलकम है। तो मंडे को मार्केट में देखना है कि मार्केट किस तरीके का मूवमेंट दे सकता है एंड किस तरीके से हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स की बात करेंगे गाइस। तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए तो एक ही चीज़ मुझे दिख रही है और ये है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन आ रही है और अभी तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो जब भी 1 वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं अगर होता है तो समझ लीजिए मार्केट बुलिश है तब तक। और एक तो ये चीज़ हो गई और फिलहाल के लिए देखते हैं कि EMA के हिसाब से क्या कर रहा है। 20 EMA के ऊपर है, मतलब 43,800 43,790 अराउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट है, तो उसके ऊपर है फिलहाल। तो चलिए, ये तो हम लोगों ने एनालाइज कर लिया है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब हम लोग एक बार देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर रहा है। और रही बात डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर मेरे ख्याल से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और एक पैटर्न भी बना रहा है, बहुत ही कंफर्मेशन कुछ दिख रहा है इसके अंदर। तो अगर रही बात डेली टाइम फ्रेम की, तो आप लोग इधर से देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन ये आ रही है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और ट्रेंड लाइन के नीचे ही मार्केट वर्क कर रहा है। एक तो ये चीज़ हो गई, तो इधर थोड़ा वीक हो चुका है। दूसरी चीज़ ये, इसके अंदर मुझे एक पैटर्न भी दिख रहा है, वो भी मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पैटर्न जो दिख रहा है उसका नाम है, ये देखिए, सबसे पहले तो इधर ही आपको एम पैटर्न दिख सकता है, एम पैटर्न हो गया। दूसरा, अगर ये एक बार इस साइड आता है तो ये प्योर हेड एंड शोल्डर एक्टिवेट हो जाएगा एंड इसका अगर ये ब्रेक कर देता है फिर उसके बाद एक बार रिटेस्ट करके ये काफ़ी नीचे जाने के चांसेस दिख सकते हैं। फिर ये वीकली भी ब्रेक कर देगा और अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता है, इसके ऊपर अगर ये भाग जाता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाएगा और जो पैटर्न सोच रहे हैं उस तरीके के पैटर्न नहीं बनेगा। एक तो ये चीज़ हो गई और दूसरी चीज़ देखते हैं 20 EMA के ऊपर इसका रेसिस्टेंस क्या हो रहा है 20 EMA के हिसाब से। तो आप लोग देख सकते हैं 20 EMA के नीचे ही और इसका रेसिस्टेंस हो रहा है 45,230 अराउंड, एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। चलिए, ये तो बात हो गई और अब हम लोग देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर मंडे को आपको किस तरीके से इसके अंदर ट्रेड लेना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो रही बात सेटअप की, तो अगर हम लोग सेटअप की बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, तो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। एक तो ये ट्रेंड लाइन हम लोग को दिख रही है, नीचे के साइड से आ रही है और बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन ने वर्क करा था। तो ये ट्रेंड लाइन तो आपका ऐसा सपोर्ट काम करेगा। साथ साथ 20 EMA देख लेते हैं, 20 EMA देख लेते हैं इधर क्या बता रहा है। चलिए, इधर तो थोड़ा बुलिश ही दिख रहा है एंड जो सेटअप है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी एक और चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ हम लोग अब पकड़ेंगे, ये वाली भी नहीं, ये वाली भी नहीं, हम लोग यही एक ट्रेंड लाइन पकड़ेंगे जो हम लोग के पास इतने टाइम से आ रही है। एक ये ट्रेंड लाइन ऊपर की हो गई जो ये आपकी रेसिस्टेंस वाली आ रही है, तो ये ऐसा रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन ये रिएक्ट करना चाहिए, अपर वाली एंड डाउन वाली जो है ये आपकी ऐसा सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, ये आपकी ये यहाँ डाउन साइड पे यहाँ रिएक्ट करेगी और कर रही है बार बार, ऐसी बात नहीं है कि रिएक्ट नहीं कर रही है, अच्छा खासा रिएक्ट कर रही है। और अब हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल से क्या है और सेलिंग लेवल से क्या है इसके अंदर। तो अगर हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं गाइस बैंक निफ्टी के अंदर, तो सपोर्ट के अंदर बहुत प्यारा एक सपोर्ट दिख रहा है और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी इस तरह ये सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो जोन है ये एग्जैक्टली सपोर्ट जोन हो गया, और एक रेसिस्टेंस जोन आ रहा है, बहुत लंबा रेसिस्टेंस जोन आ रहा है ये जोन। अगर बात करें हम लोग, ये हम लोग का एक रेसिस्टेंस आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, तो देखते हैं यहाँ किस तरीके से ट्रेड करता है और रिएक्ट कर सकता है मार्केट मंडे को। या तो एक ये चीज़ हो सकती है, दूसरी एक और चीज़ इसके ना दिख रही है, अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो ये अपसाइड चला जाएगा और इसका ब्रेकआउट हो गया तो ये डाउन साइड चला जाएगा। फिलहाल के लिए तो यही दो चीज़ दिख रही है।
अब हम लोग बात करते हैं निफ्टी के अंदर भी एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि निफ्टी हम लोग बहुत से लोग उसमें भी ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो निफ्टी है वो किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग को ज़्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा एंड जो लोग स्विंग ट्रेडर्स हैं उन लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर बात करें तो ये तो पूरा ट्रेंड लाइन के ऊपर ही एंड ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रिएक्ट कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ से भी बात करते हैं तो अगर याली ट्रेंड लाइन भी हम लोग पकड़ते हैं तो इसके ऊपर ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर और पूरा एक पैरेलल चैनल के अंदर काम कर रहा है। देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम तो पूरा एक पैरेलल चैनल के अंदर काम कर रहा है। एक और चीज़ देख लेते हैं, तो निफ्टी तो पूरा पूरा बुलिश है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी, ठीक है, और बैंक निफ्टी भी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर गाइस सेम बुलिश था। अब वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर है बैंक निफ्टी हो गया आपका बैरिश। एंड रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, और ट्रेंड लाइन तो यहाँ भी ब्रेक हुई है। अगर बात करते हैं इसकी निफ्टी की, तो देख सकते हैं निफ्टी के अंदर भी एक पूरी ट्रेंड लाइन आ रही थी जो कि ये यहाँ ब्रेक होने के कगार पे थी। एक बार हल्का सा ब्रेक का फेक ब्रेकआउट हुआ है। ओहो, देखिए गाइस ये एक फ़ायदा होता है चीज़ें पकड़ने में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ फेक ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आ गई है। तो वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर भी निफ्टी बुलिश है, और इसके अंदर देखना है कि क्या पैटर्न बन रहा है, क्या इसने एक्टिवेट कर दिया है हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नहीं करा है। ओके, तो इसने गाइस इसे अगर देखा जाए तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो एक्टिवेट नहीं करा है, लेकिन एक पैरेलल चैनल ने थोड़ा सा क्रिएट करा है। और रही बात उस पैरेलल चैनल की, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से वो चैनल आ रहा है और ये चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है निफ्टी। अब इसको एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं, 20 EMA के साथ साथ भी देख लेते हैं ऐसा ट्रेंड क्या है। तो ऐसा ट्रेंड तो इसका फिलहाल बेयरिश ही है, लेकिन 19550 के ऊपर अगर ये चला जाता है तो पूरा ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस के दिख सकते हैं। अब हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर बात करते हैं कि मंडे को निफ्टी के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए एंड निफ्टी एग्जैक्टली कर क्या रहा है। तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये आप लोग देख सकते हैं। रही बात इसकी निफ्टी की, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। फिलहाल तो एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, अपर साइड से हमें कुछ नहीं दिख रहा है। अगर हम फिर भी एक बार जबरदस्ती ड्रॉ करते हैं तो एक चीज़ हमें ये दिख रही है। बस इसके अलावा तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से आप लोग देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन ने बार बार सपोर्ट ले रही है, और फ्राइडे वाला दिन भी यहाँ मार्केट ओपन हुआ है और ये हाई से नीचे आया, फिर वापस हाई पे इसने क्लोजिंग दी है। एक तो ये ट्रेंड लाइन आपकी सपोर्टिंग हो गई, फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ऊपर से एक रेसिस्टेंस आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिस्टेंस ऐसा रिएक्ट कर रहा है, तो ये तो हो गया रेसिस्टेंस। एंड अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट भी इसको नीचे से ही मिल रहा है। और यहाँ ये सपोर्ट हो गया, तो निफ्टी के अंदर का इसमें एक ही चीज़ कहूँगा, अभी तो मार्केट साइडवेज है फिलहाल अगर पूरा ध्यान से आप लोग देखें, लेकिन इसको ब्रेक करता है तो काफ़ी अच्छे इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो अपसाइड, और अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो ये डाउन साइड का मूव हम लोग को देखने को मिल सकता है। और साथ साथ अगर हम लोग फिर निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, जब इतना सब कुछ देख लिया तो एक चीज़ और देख लेते हैं फिर निफ्टी भी, तो फिर निफ्टी भी सेम वही चीज़ हो रही है। फिर निफ्टी में भी एक आ रहा है सपोर्ट, सॉरी रेसिस्टेंस आ रहा है, और ये इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस हो सकता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा
मंडे के लिए। मंडे को जिस तरीके से रेजिस्टेंस से लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है साइडवेज ना चला जाए मार्केट। देखते हैं अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ज़्यादा बेहतर मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिल सकती है गाइस। तो नीचे एक ये सपोर्ट जोन आ रहा है और सिंपल सा सेटअप है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत हार्ड सेटअप नहीं है, बस आप लोगों को वेट करना है। अगर आप लोगों ने वेट कर लिया गाइस ना, तो आप लोगों को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है और प्रॉफिट बनाने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है, बस और बस आपको वेट करना है। जैसे कि अगर देखा जाए तीनों चीज़ के अंदर, निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें या फिन निफ्टी की बात करें, तो उसी तरह एक सपोर्ट जोन ऊपर बन रहा है, ऊपर असिस्टेंस जोन बन रहा है और नीचे सपोर्ट जोन बन रहा है। बस इसका ब्रेकआउट हमें चाहिए, जहाँ ये इस साइड ट्रेड कर रहा है, जो ये इस लेवल में ट्रेड कर रहा है, हमें अगर उसका एक बार मिल जाए ब्रेकआउट तो इसके अंदर मज़ा ही मज़ा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, अपसाइड ब्रेकआउट तो अपसाइड, डाउनसाइड ब्रेकआउट तो डाउनसाइड। और एक चीज़ क्लियरली कहना चाहूँगा, मुझे बता रहा हूँ आपको गाइस, तो गाइस एक चीज़ मैं आपसे क्लियरली कहना चाहूँगा, जब तक अगर ये इस जोन के अंदर आपको मार्केट दिखता है, इस जोन के अंदर नो ट्रेड करिएगा, इस जोन के अंदर कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा। और जैसे ही आपको यहाँ ब्रेकआउट मिलता है तो फिर रिटेस्ट का वेट करिएगा, फिर आप लोग यहाँ ट्रेड करिएगा। एंड इसके अंदर भी सेम इसी तरह है, ब्रेकआउट का वेट, फिर रिटेस्ट, फिर ट्रेड आप लीजिएगा, मज़ा ही आपको आने वाला है। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड मिलते हैं एक और नए एनालिसिस। और मंडे को लाइव भी मैं करूँगा, लाइव के अंदर आप लोग अगर ऐड होना चाहे तो वो भी आप लोग हो सकते हैं। तब तक के लिए गुड डे गाइस।